Students, welcome to the DSEJ Radio Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. I am Jawaz Iqbal, teacher posted at Government High School Bhartu District Ramban. Today we will discuss the second part of Unit Number Three of Eighth Science, that is Conservation of Plant and Animal. The different topics we will cover today will remain. Number one, we will discuss Flora and fauna. The second subtopic will be in endemic species, and we will also try to elaborate the term species. The third subtopic is wildlife century, which will be followed by national park, then red data book. Sixth topic will be migration, then recycling of paper, and last subtopic we will take today will be reforestation. सो द फर्स्ट टॉपिक एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडेज़ फ्लोरा एंड फाना सो बच्चों जैसे पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मुख्तलिफ़ वाइटी है प्लांट्स की एनिमल्स की माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की अब ये जो वेराइटी है इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की ये सारे किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं कुछ एनिमल्स कुछ प्लांट्स टिपिकली किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं और उन प्लांट्स और एनिमल्स को जो उस पार्टिकुलर एरिया में मौजूद होते हैं दे आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फाना ऑफ देट पार्टिकुलर एरिया सो फ्लोरा और फाना से हमें याद रखना है वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया एंड दे आर टर्म एज फ्लोरा एंड फाना ऑफ दैट एरिया रेस्पेक्टिवली ये कंसेप्ट था हमारा फ्लोरा एंड फाना क्या होते हैं सो आई होप कि अब क्लियर हो गया हमें कि फ्लोरा मीन प्लांट्स एंड फाना मीन्स एनिमल्स विच आर यू नो फोड इन दैट पार्टिकुलर एरिया दूसरा कंसेप्ट है हमारे आ, इस बुक में अगर आप देखें एट पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स दैट इज इंडमिक स्पीशीज इंडमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं बच्चों या वो स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की जो एक्स क्लूसवली एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं दे आर नेचुरली फोन्ड यानी कहीं भी वो पाई जाती हैं एनी वियर एल्स दे आर ऑल्सो फोन्ड नेचुरली बट एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल या प्लांट जो है दैट मे बी एंडमिक टू ए जोन आर स्टेट आर ए कंट्री फिर आपके लिए मैं रिवाइज करूंगा इंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लाट एंड एनिमल्स विच आर फोन्ड exclusively in a particular area, they are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. अब बच्चों क्या आप जानते हो कि हमारे जेंड के स्टेट के endemic species क्या है animals की और plants की? तो अगर हम animals की बात करें तो हमारे जेंड के में बहुत सारी ऐसे animals की species हैं जो endemic हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम याक की बात करें ये हिमालयन हारबोर एक हार्ड रेंज ऑफ एनिमल का है ये विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड लद्दाख की अगर हम बात करें वो एक हाई आल्टीट्यूड का इलाका है एंड दैट इज़ ए होम टू याक जो ये है ये लद्दाख के उस फ्रीजिंग और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में हमें वहाँ पे मिलते हैं द शेगी हॉन्ड वाइल्ड ऑक्स जिसका वजन तकरीबन एक टन के करीब होता है द टिबियन तीब, एंटीलोप द बाहल बाहरल जिसको ब्लू शीप भी कहते हैं वाइल्ड शीप एंड खयांग तिबियन वाइल्ड एस दे आर एंडमिक टू दिस हिमालयन हार्बोर इसी तरह से अगर हमने आपने सभी बच्चों ने नाम सुना है हंगूल का इज द मोस्ट प्राइज्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल द फेमस जो दछी नेशनल पार्क श्रीनगर में मौजूद है विच इज़ आल्सो वन ऑफ द यू नो फेमस जिसको हम कह सकते हैं नेशनल पार्क ऑफ अवर जे एंड के यूटी इज़ अबोर्ड ऑफ हंगूल एक रेयर एंड यूनिक स्पीशीज़ है डियर्स की विच इज़ नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट दचिगम नेशनल पार्क इसी तरह से अगर आप प्लांट्स की बात करें तो आपने वाइल्ड मैंगो को देखा होगा आपने एक गैंड स्कल को देखा होगा ये सारे क्या है ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं हमारे इस जे एंड के की इस पार्टिकुलर एरिया में ये रहती हैं अगर बच्चों आपने देखा होगा कि अब जब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से ये सारी जो एनिमल्स हैं ये सारी प्लांट स्पीशीज जो हैं ये बहुत बुरी तरह से अब खतरे में हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनके लिए खतरा लाक हो रहे हैं हमें चाहिए कि इन स्पीशीज़ को बहुत ही ध्यान से इनकी हिफाजत की जाए इनकी प्रोटेक्शन की जाए इनको कंजर्व किया जाए इनके हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाए इनकी हैबिटेट को डिस्ट्राई न किया जाए अदरवाइज़ ये हमें मैंने पहले भी कहा था आपको कि सिर्फ बुक्स में ही हमें पढ़ने को मिलेगा इनको हम फिजिकली कहीं देख भी नहीं पाएंगे सो दीज आर द स्पीशीज विच आर एंडमिक स्पीशीज यानी कि जो स्पीशीज़ किसी पार्टिकुलर एरिया में पाई जाएँ उसको उनको एंडमिक स्पीशीज कहा जाता है अब एक कंसेप्ट है स्पीशीज़ क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे तो स्पीशीज़ की अगर डेफिनेशन पे हम जाएँ बच्चों स्पीशीज इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर है एक स्पीशीज़ का दैट कैन दैट कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ दियर ओन स्पीशीज़ वो किसी दूसरे स्पीशीज़ के साथ जो है वो इंटरब्रेट नहीं कर सकता है मेंबर ऑफ ए स्पीशीज़ हैज़ कामन करेक्टरिस्टिक्स आपने आसान लफ्ज़ों में याद रखना है कि स्पीशज़ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म है जो कैपेबल तो है इंटरब्रीडिंग का इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पीशीज का मेंबर जो है वो रिप्रोड्यूस अपने ही दूसरे मेंबर ऑफ स्पीशीज़ के साथ कर सकता है इसको हम स्पीशीज कहते हैं आगे बढ़ें हमारा एक और सब टॉपिक है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने बच्चों देखी होगी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने कभी पिकनिक पे आपको अपने स्कूल से लिया गया होगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं या एक स्टेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करती हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए अब आप आगे चल के हम और कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इनकी एक पार्टिकुलर डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि सेंचुरीज आर प्लेस या प्लेस आर प्लेसेस वी आर किलिंग जिसको ये भी कह सकते हैं वी आर किलिंग पोचिंग आर कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इस स्ट्रिक्टी प्रोहबिटेड एक वो एरिया जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ हैं इसलिए क्या वो ताकि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक स्टेबल कंडीशन मिले ताकि वहाँ पे उनको डिस्टर्ब न किया जाए कुछ आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं जो एक थ्रेटनिंग उनके लिए है दे आर द्रेटन वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बाग वाइट आई बक एलिफेंट गोल्डन कैट पिंक हेडेड डक इसी तरह से क्रो, क्रोकोडाइल पाइथन राइनोसिरास ये वो आ, एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है प्रिजर्व किया जाता है इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड इन इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट वहाँ पे बशी लैंडस है और बिग रिवर्स भी इवन डेल्टज रिवर्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं ताकि वो इसलिए कि जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो बेस्ट से बेस्ट सुटेबल लिविंग कंडीशन जो है वाइल्ड एनिमल के लिए प्रोवाइड कर सकें लेकिन अगर आप देखें इट इज़ ए पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ वो इसलिए सेफ़ नहीं है बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड उनके आसपास रहने वाले लोग इनक्रेज करते हैं वो जाके उसको डिस्ट्राई करने की कोशिश करते हैं या डिस्ट्राई करते भी हैं उस फॉरेस्ट को और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है हमारे वाइल्ड लाइफ को या जितने भी हमारे ऐसे एनिमल्स हैं जो थ्रेटर्ड एनिमल्स हैं अगर आपको बच्चों Uh, मैं एक सवाल पूछूं दैट डू यू नो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन नेशनल पार्क ऑफ जे एंड की यूटी तो यस yes, मुझे लगता है आप में से बहुत सब सारों को पता होगा वी आर हैविंग द दच्छी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर इसकी हम बात करें तो ये श्रीनगर से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है और यहाँ पे इंडेंजर मैंने अभी कहा एक हंगुल की स्पीशीज़ है Uh, जो स्पीशीज बेसिकली डियर की स्पीशीज़ है विच इज़ प्रेजेंट दियर उसके अलावा भी अदर एनिमल्स फोन्ड इन द सेंचुरी आर जैसे ब्लैक ब्राउन बियर है मस्क डियर है लेपर्ड है एंड फ्यू एंड लॉट ऑफ माइग्रेटरी इवन फ्यू नहीं कह सकते बल्कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी दक्षिगँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे जेके यूटी में है दैट इज़ सूरियनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सूरसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू से तकरीबन बयालीस किलोमीटर दूर है गोरेल वाइल्ड बोर बार्किंग डियर एंड लेपर्स आर कामन हेयर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये एनिमल जो है कामन है नंबर ऑफ बार्ड स्पीशीज लाइक ब्लैक पर्ट्रेज रेड जंगल फॉल पी फॉल ग्रे पेट्रिज, ग्रीन पिजन एट्सट्रा ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं सूरंदर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक और हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ कार्ल रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर रामनगर रिज द सेंचुरी इज यू नो स्प्रेड अवर ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव स्क्वेयर किलोमीटर ऑन द नाद साइड ऑफ जम्मू सिटी जो मोस्ट कामन एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं उनमें नील गाय है बार्किंग डियर है उसके अलावा रेसस मंकी भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं अगर हम आगे बढ़ें और अगर हम बर्ड्स की भी बात करें तो बहुत सारे हमारे हमारे यहाँ एक फेम जो अलग या डिफरेंट बर्ड्स जो हैं दे आर यू नो प्रेजेंट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ रामनगर जिसमें रेड जंगल फॉल है रॉक पिजन ब्लू रॉक पिजन यहाँ पे पाए जाते हैं चिक्ड बुलबुल है यहाँ पर इंडियन माइना दे आर आल्सो फेमस इन रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अलावा ओवीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज़ हारबोरे वराइटी ऑफ मेमल्स लाइक हंगूल मस्क डियर इसके अलावा लेपर्ड वगैरह जो हैं और भी वराइटी ऑफ बर्ड जो हैं दे आर फोन्ड इन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ नोन एज ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड्स की अगर हम बात करें तो कोकलास मोनल एंड हमालन स्नो कॉक्स एट्सट्रा इसके अलावा एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इस नेशनल पार्क है इनफैक्ट किश्तवाड़ हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क इट कंटेन अबाउट फिफ्टीन मेमल स्पीशीज इंक्लूडिंग द मस्क डियर एंड हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बियर एंड सम स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इसके अलावा और भी कुछ हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो हमने ये अभी बात की लाइक जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी Uh, ये सेंचुरी जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर उज एंड इज स्प्रेड अवर टेन पॉइंट फोर स्क्वायर किलोमीटर द नन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट एक्पाइज द साउथ वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ नन्नी अलॉग जम्मू श्रीनगर हाईवे। आप में से बहुत सारे जब जम्मू से श्रीनगर की तरफ आते हैं तो रास्ते में नन्नी एक बड़ी मशहूर जगह है जहाँ पे आज के टाइम पे आप अगर आएंगे तो तीन चार टनल क्रॉस करते ही आप आगे जब निकलते हैं तो देर इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय द नेम नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अराउंड थर्टीन पॉइंट फाइव जीरो स्क्यर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है देन त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द सेंचुरी इज़ नेम्ड आफ्टर फेमस त्रिकुटा हिल्स वीर श्री माता वैश्वो देव शराइन इज़ लोकेटेड सो दिस वॉज द ब्रीफ अबाउट कि हमारे यहाँ जे एंड के यूटी में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फेमस हैं या नेशनल पार्क्स जो हैं वो मौजूद हैं अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स की अभी हमने बात की कि हमारे यहाँ पे किश्तवाड़ हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क है यानी कि वो एरिया जो रिज़र्व किया जाता है या एक डाइवर्स या लार्ज एरिया जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया हो उसको या हमारे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए जो एरिया मार्क किया हुआ हो वो एरिया जो फ्लोरा और फाना आ, के लिए एक बड़ा ही स्टेबल हो उसकी लैंडस्केप जो है उस, उसके जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट हैं एरिया के जो फेवरेबल हों इन एनिमल्स के उस जगह को नेशनल पार्क कहा जाता है या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि नेशनल पार्क वो एरिया है जो रिज़र्व किया जाता है फॉर वाइल्ड लाइफ वी आर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वह एनिमल्स हों उस पार्टिकुलर एरिया में वो फ्रीली विदआउट एनी डिस्टर्बेंस विदआउट एनी जिसको हम कहेंगे कि डिस्ट्रक्शन कि जब वो फ्रीली उस हैबिटेट को उन नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करें ऐसी जगह को नेचरल पार्क कहा जाता अब बात करेंगे इंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ जे एंड के स्टेट तो बच्चों में आपको बता दूँ ये बहुत लंबी लिस्ट है आ, इन इंडेंजर्ड एनिमल्स की जो हमारे जे के स्टेट आ, में बहुत कम अभी आ, पाए जाते हैं और अगर उनको और ज़्यादा ध्यान उन पे न दिया जाए तो वो टोटल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अब ये इंडेंजर्ड क्यों हैं ड्यू टू द हैबिटेट लॉस पोचिंग एंड आवर एक्सप्लाइटेशन बहुत सारे एनिमल जो हैं दे बिकम इंडेंजर्ड एंड मोस्ट नोटिसेबल बीइंग फीजेंट्स एंड डियर्स फीजर्स और डियर जो हैं इनकी बहुत सारी स्पीशीज ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ बिल्कुल ख़त्म होने की बिल्कुल उस बॉर्डर लाइन पे हैं तो नीचे कुछ दिए गए हैं हमारे आ, मैं अभी आपके सामने नाम लूँगा एट पेज नंबर थर्टी हम पढ़ेंगे कि जो बर्ड्स हैं बहुत सारे मैमल्स हैं हमारे जे एंड के यूटी के दे आर मोस्ट इंडेंजर्ड एट प्रजेंट और उनको अगर प्रज कंज़र्व नहीं किया जाए अगर उनके लिए कोई ऐसे मेजर्स uh, नहीं उठाए जाएं वार फुटिंग पे uh, उनकी कंजर्वेशन पे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट फ्रॉम आवर यूटी नंबर वन नील जिसको कहा जाता है मोनाल फिजेंट इट इज़ वन ऑफ़ द यू नो इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज इन आवर जे के कोकलास फिजेंट मक मकाउ अगेन वन ऑफ द यू नो इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज वेस्टर्न हॉर्न फीजेंट बिन्डस देन इंडियन पेंग पिंगलिन मस्क डियर बार्किंग डियर इसके अलावा हिमालयन ब्रौन बियर हिमालयन एबिक्स कश्मीर स्टैग जिसको हंगूल कहा जाता है अगेन इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज है हमारी जे एंड के यूटी की रेड uh, फॉक्स बहुत कम आजकल देखने को मिलती है अगेन इंडेंजर्स दैन कामन लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड कामन लेपर्ड और स्नो लेपर्ड भी अब बहुत कम रहे हैं अगर इन पे भी कंजर्वेशन के मेजर्स वार फुटिंग पे नहीं किए जाएं तो अगेन ये टोटल ख़त्म हो जाएंगे दैन इंडियन वुल्फ इट इज़ अगेन वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ एनिमल विच इज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ आवर जे के यूटी अब सवाल एक उठता है कि क्या सिर्फ ये बड़े जानवर ही एक्सटेंशन uh, की तरफ जा रहे हैं या दे आर फेसिंग द एक्सटेंशन नहीं जो छोटे एनिमल्स भी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आ, वो अभी आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं अननेसेसरी किसी भी एनिमल को मारा जैसे हमें कहीं स्नेक मिलता है हम उसको मार देते हैं फ्रॉग्स मिलते हैं लेजर्ड्स होते हैं बैट्स हैं या दूसरे और बगैर uh, किसी रीज़न के उनको मारना विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर वेरी इम्पोर्टेंट और दे दे टू हैज़ द इम्पॉर्टेंस इन इन दिस इन द इन द इको सिस्टम और अगर इनको हम ऐसे ही मारते रहें तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट और इनको मारने से हम उनको तो मार ही रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने आप को नुकसान में डाल रहे हैं क्योंकि जब भी फूड चेन जब भी हमारा एक नेचर का बैलेंस बिगड़ेगा तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। सो so, इन जानवरों को मारने से हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये बेशक स्मॉल साइज़ के हों लेकिन इनका जो रोल है इकोसिस्टम में वो इग्नोर नहीं किया जा सकता है हर एक का अपना एक रोल जो है वो असाइंड है और हर कोई जो है वो अपना रोल निभाता है और ये सारे जो हैं दे फॉर्म द पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स जो हम आगे पढ़ेंगे अब इको सिस्टम की अगर हम बात करते हैं दैट इको सिस्टम इज मेड ऑफ़ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट एन एरिया एलॉग विध नॉन लिविंग कम्पोनेट्स लाइक क्लाइमेट सॉइल रिवर डेल्टाज एट्सट्रा इसका मतलब ये हुआ कि एकोसस्टम जो है ये बहुत लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेट से के मिलने से बना हुआ है इसमें बड़े एनिमल छोटे एनिमल सब का रोल है माइक्रो आर्गनिज्म भी इसका हिस्सा है और जब भी हम इस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे हम अपने आप को डिस्ट्राई कर रहे हैं अगला कंसेप्ट है बच्चों रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक जो है एक ऐसी सोर्स बुक है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं एनिमल्स की प्लांट्स की उनको इस बुक में रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है डिफरेंट रेड डाटा बुक्स अवेलेबल हैं फॉर प्लांट्स फॉर एनिमल्स एंड फॉर अदर स्पीशीज लेकिन जो Uh, मुदा मकसद है इस डाटा बुक का कि इसमें रिकॉर्ड रखा जाए कि कितनी इंडेंजर्स स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की प्लांट्स की या बाकी ऑर्गेनिज़म्स की और उस रेड डाटा बुक से हमें ये भी हेल्प मिलती है कि हमें उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जो ज़्यादा तदाद में इस वक्त हैं हमारे पास प्लांट्स एनिमल उनको भी कंजर्व किया जाए लेकिन जो कम हो चुके हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेशन का ध्यान देना है अगला कंसेप्ट है माइग्रेशन क्या होता है आपने देखा होगा बच्चों कि जब गर्मी का सीज़न आता है या ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो अलग अलग किस्म के हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं या फिर जो ही सर्दी का मौसम आता है तो उस वक़्त भी डिफरेंट बर्ड्स हम देखते हैं अभी चूँकि ज़्यादा गर्मी है तो गर्म खिते से ये बर्ड्स अब माइग्रेट हो ठंडे इलाके की तरफ निकल गए होंगे इन सभी बर्ड्स को क्या कहा जाता है माइग्रेटली बर्ड्स ये बर्ड्स क्या करते हैं दे फ्लाई टू फार अवे एरियाज़ एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम रीज़न इज़ क्लाइमेटिक चेंज कुछ ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ बर्ड जो हैं वो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो अपने इन्वायरमेंट कंडीशन uh, जो उनके लिए सुटेबल हो उसके मुताबिक द कीप आन माइग्रेटिंग दैम सेल्फ फ्राम वन प्लेस टू द इनदर प्लेस एंड मैंने आपको बताया द रीज़न इज़ क्लाइमेटिक चेंज अब इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं दे फ्लाई फार लेइंग एग्स एज द वेदर इन दियर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटल या तो वो ठंडा हो जाएगा तो वो भी उनके लिए ठीक नहीं है या उनके बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब भी वो उनके लिए ठीक नहीं है सो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स अब क्लियर हुआ होगा आपको कि वो परिंदे वो बर्ड्स जो बहुत लंबा सफ़र तय करके किसी दूसरी जगह पे चले जाएं, एज द इन्वायरमेंट इन दैट पार्टिकुलर एरिया इज़ नॉट सुटेबल फॉर देम और जहाँ पे उनके लिए वो सुटेबल हो जब वो वहाँ चले जाएं उस पार्टिकुलर जगह में जाने के बाद जब वो वहाँ रहें और उस डिस्टेंस को कवर करने के बाद उन बर्ड्स को हम कह सकते हैं दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स एक और कंसेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा काज है डिफॉरेस्ट्रेशन का आपको मैं बताऊं बच्चों सतारा फुल जो बड़े दरखत होते हैं बड़े ट्रीज होते हैं वो काट के हम एक टन पेपर बनाते हैं इसका मतलब ये हुआ वी शुड सेव पेपर पेपर को कैसे सेव किया जा सकता है जो भी हम यूज में पेपर लाते हैं उसको जलाना नहीं है डिस्ट्राई नहीं करना है हमें उस पेपर को रिसाइकलिंग के लिए भेजना है वो इसलिए क्योंकि पेपर जो है वो आसानी से रिसाइकल होता है पाँच से सात टाइम यूज़ करने के बाद वी कैन रिसाइकल द पेपर अगर हर स्टूडेंट एक शीट ही एक दिन का जो है वो रिसाइकलिंग के लिए रखे अपने पास इट मींस दैट वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर और हमें इसके बगैर कोई और ऑप्शन भी नहीं है वी शुड सेव वी शुड री यूज दोज पेपर्स वी शुड रिसाइकल देम और जब हम ऐसा करेंगे इससे हम न सिर्फ ट्रीज़ को बचा रहे हैं बट हम अपनी जो जो बहुत सारी एनर्जी वाटर जो इसके लिए हमें चाहिए होता है इन पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम उसको भी बचा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमें पेपर्स को रिड्यूस करना है इसका इस्तेमाल हमें रीयूज करना है पेपर को और जब हमें लगे कि अब ये रीयूज़ नहीं हो सकता देन वी हैव टू यू नो कोऑपरेट वी हैव टू सेंड इट फॉर रिसाइकलिंग अदरवाइज़ हमें बहुत जल्दी ही इन फॉरेस्ट कवर को ख़त्म करने में जो भी हम ये अहम रोल निभा रहे हैं इस वक़्त हमें ये तबाही की तरफ लेके जाएगा सो द लास्ट टॉपिक ऑफ़ दिस यूनिट दैट इज कंजर्वेशन प्लांट इन एनिमल्ट्रेशन हमें मैंने कल भी बचो आपको एक पिछले जो इनफैक्ट जो पिछली क्लास हमारी पार्ट वन जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम बर्थडे मनाएं हम बाकी आप गिफ्टें न दें एक दूसरे को हम एक एक प्लांट दें ताकि उसको वो लगाएं उससे हमारी जो है ये प्लांट की जो वेल्थ है वो बढ़ेगी रिफॉरस्ट्रेशन का मतलब अगर हम जाने इट इज़ रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉइड फॉरेस्ट बोलिए by प्लांटिंग न्यू ट्रीज अब जब नए प्लांट जब नए ट्रीज़ को हम प्लांट करेंगे दे शुड जनरली बी आर द सेम स्पीशीज विच वर फोन्ड इन दैट फॉरेस्ट इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है उस फॉरेस्ट में जो ऑलरेडी स्पीशीज थी वही स्पीशीज हम वहाँ पर लगाएं और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर उसके लिए वो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है सुटेबल नहीं होंगी तो वो ठीक से ग्रो भी नहीं करेगा वी शुड प्लाट एट एज मैनी ट्रीज एज वी कट होना तो ये चाहिए कि अगर एक काटा तो दस लगाने चाहिए लेकिन अगर एक के बदले एक भी हम लगाएं तो भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसलिए रिफॉरेस्टेशन कैन टेक्स प्लेस नेचुरली आल्सो क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि किसी जगह पे जब सीड वगैरह घिरता है तो उससे भी रिफॉरेस्टेशन जो है वो हो रही है लेकिन जो डिफॉरेस्टेटिड एरिया है उसको हमें एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको अनडिसस्टर्ब रखना चाहिए वहाँ पे फिर और कोई हमें कल्टीवेशन के लिए लैंड को खोदना नहीं चाहिए अगर अनडिस्टर्ब रखें तो वहाँ पे और वेजिटेशन जो है वो आ, अपने आप वहाँ पे वो ग्रो होगी जो नेचुरल डिफॉरस्टेशन है उसको भी हमें इनक्रेज करना है देर इज़ उसमें किसी भी इंसान का उसमें कोई रोल नहीं है लेकिन हाँ तबाही में हमारा रोल हो सकता है सो वी शुड टेक केयर ऑफ डैट ऑल्सो हमें बहुत जो कि अगर देखा जाए तो हम ह्यूमंस ने ऑलरेडी ट्रमेंडस डैमेज पहुंचाई है हमारे फॉरेस्ट को और अगर हम ऐसा ही करते रहें इस ग्रीन वेल्थ को हम तबाही की तरफ लेके चले जाएं तो हमारी जो जनरेशन जो है आने वाली है उसको हम डेफिनेटली एक बहुत बड़े एक तबाही की तरफ लेके गए हैं और उनके लिए हम कुछ अच्छा काम करने के लिए अब कुछ बाकी कुछ छोड़ भी नहीं रहे हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशन हमें प्लांटेशन करनी है वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज दिस इज़ द ओनली ऑप्शन अदरवाइज वी आर गोइंग टू फेस यू नो ए वेरी डेंजरस जिसको हम कहेंगे नेचर का एक जो तबाही जो नेचर की नेचर की तरफ से होगी वह हम फेस करने वाले हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल नो वी विल जस्ट रिकेप ऑल द कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़े जिसमें हमने सबसे पहला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया अबाउट द फ्लोरा एंड फाना तो हमें मालूम पड़ा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स किसी पार्टिकुलर एरिया में हो, दे आर नोन एज द फ्लोरा इन फाना ऑफ दैट एरिया फिर मैं आपके बत, के लिए बताऊं, व्हाट इज़ फ्लोरा इन फाना द मीन प्लांट्स फाना मीन एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया आर नोन एज द फ्लोरा इन फाना ऑफ दैट एरिया फिर हमने पढ़ा एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं तो एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर एरिया जो किसी पार्टिकुलर एरिया में कोई स्पीशीज़ प्लांट की हो एनिमल की uh, मिले या मौजूद हो या रहे दैट इज़ नोन एज एंडेमिक स्पीशीज फिर हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे नेचुरल इन्वामेंटल कंडीशन प्रोवाइड की गई हो एनिमल्स uh, के लिए दैट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क की हमने बात की अगर uh, इसी तरह से जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो हमारी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको नेचुरली एनिमल्स के लिए वहाँ पे उनको यूज़ करने के लिए रखी जाए ऐसी जगह को नेशनल पार्क कहा जाता है रेड डाटा बुक हमने पढ़ा कि एक ऐसा ऐसी बुक विच कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ़ द इंडेंजर्ड स्पीशीज जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनका जो रिकॉर्ड जिस बुक में लिखा गया हो रखा गया हो उस बुक को रेड डाटा बुक कहा जाता है देन हमने पढ़ा माइग्रेशन तो हमने पढ़ा कि कुछ बर्ड जो हैं माइग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन अगर हम फिर से रिवाइज़ करें इज़ द फिनन ऑफ मोमेंट ऑफ ए स्पीशीज फ्राम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज लाइक ब्रीडिंग वो इसलिए जगह बदलते हैं बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन तो उस एक्सट्रीम ठंड या एक्सट्रीम गर्मी की वजह से वो बर्ड्स मीलों सफर तय करके जब दूसरी जगह पे जाते हैं ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है और ये प्रोसेस जो है माइग्रेशन होता है फिर हमने पढ़ा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर तो हमें मालूम पड़ा कि वी शुड सेव वी शुड री वी शुड रिसाइकल पेपर्स टू तो सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर वाई क्योंकि हमने पढ़ा कि आ, इन पेपर्स को बनाने के लिए प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और अगर हम प्लांट्स को काटते चलें जंगलों को ख़त्म करते चलें तो हम इस ग्रीन वेल्थ को ख़त्म जब करेंगे तो हम अपने आप को बहुत बड़े नुकसान में डाल रहे हैं सो वी शुड एटलीस्ट सेव दिस पेपर्स हमें रिड्यूस करना चाहिए यूज़ को कम इस्तेमाल में लाना है जब ज़रूरत हो तब ही इस्तेमाल में लाएँ और हम इसको रीयूज़ करें रीज़ करने के बाद हम पेपर को रिसाइकल करवाएँ इससे हमें न सिर्फ पेपर न सिर्फ प्लांट्स ही बचेंगे बल्कि हम एनर्जी और वाटर को भी कंजर्व कर रहे हैं फिर लास्ट पे हमने कन्सेप्ट पढ़ा व्हाट इज़ रिफ़ारेस्ट्रेशन तो रिफ़ारेस्ट्रेशन इज़ द रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्राइड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़। हमें चाहिए कि ग्रीन वेल्थ को और ज़्यादा हम इनक्रेज करें अपने आप को इसको बढ़ाने में ताकि ये ग्रीन वेल्थ जो है हमारे लिए हमेशा फ़ायदा ही साबित हो कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं हमारे पास ये क्वेश्चन आप मुझे यकीन है फिलअप्स हों डिफ्रेंसिस हों ये आप बड़े आसानी से आप सॉल्व uh, कर सकते हैं वी आर हैविंग फ्यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ एनी वाइल्ड एनिमल एनवायरनमेंट ये सब चीज़ें आपने पढ़ी आपको पूरी तरह से क्लियर हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एक होमवर्क जो आपको मैं बताऊंगा आपने क्या करना है कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको काम करना भी नहीं है आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप गैदर करोगे इंफॉर्मेशन को वो इन्फॉर्मेशन जिसमें आपने ये लिखना है कि आपने अपने कितने फ्रेंड्स को इस साल डिफरेंट बर्थडेज़ में कौन कौन से आपने उनको जो गिफ्ट किए प्लांट्स और ये भी पता रखना है कि क्या उन्होंने वो प्रॉपर जगह पे उनको प्लांट भी किया या नहीं किया एक तो आपने ये करना है फिर आपने एक और लिस्ट तैयार करनी है वेरियस यूजेस ऑफ़ पेपर्स की पेपर का आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हो आप ये भी देखना कि जो करेंसी नोट्स हमारे पास होते हैं देट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ अ पेपर फिर आपने ये भी देखना है कि करेंसी पेपर और जो नोटबुक का पेपर है उसमें कोई डिफरेंस आपको दिखता है उस डिफरेंस को भी आप नोट डाउन करेंगे एंड और ये भी देखना है कि ये पेपर ये करेंसी पेपर आपको कहाँ से मिलता है और क्या इसका जो कापी का पेपर है आपका क्या इसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी आपने नोट करना है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट टू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आई होप आप इसको समझे अच्छे से समझ पाएंगे आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस